सो के घर का एंट्रेंस है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का होता है कुछ। तो अरे चढ़ नहीं पा रहा मैं, वैसे उतना खास घर भी नहीं, लेकिन मैंने इसमें फार्म्स लगाए हैं इसीलिए थोड़ा सा मतलब मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले जो मैंने वर्ल्ड दिए थे उनमें इतने सारे फार्म्स नहीं थे, लेकिन इसमें फार्म है। तो दिखाता हूँ आपको पहले घर, उसके बाद चलेंगे हम फार्म्स पे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो एक स्विमिंग पूल दिखेगा इतना बड़ा सा। ये इसलिए ट्रांसपेरेंट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने जो है शेडर बदल दिया अपना, मैंने न्यू शेडर लिया है, उस शेडर का नाम वाइट शेडर है। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको दिखेंगे आर्मर्स जो कि फ्रेम्स में लगे हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे से जाते हैं, एक कमरा और है, यहाँ पे एनविल्स और फर्नेस लगाए हैं, और अगर यहाँ पे देखोगे तो कुछ और फर्नेस है, और यहाँ पे एक फ्रिज है जिसमें आप जबाव दबाओ के मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो वहाँ से निकलेगा रैंडम फूड, देखे सकते हैं मुझे निकला है गोल्डन कैरेट। तो अब कमेंट में बात बोलना कि भाई तूने ये वर्ल्ड ऐसे एक टूल बॉक्स से बनाया, क्योंकि देखो अगर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ। सो अगर मैं तुमको खाली वर्ल्ड दूंगा जिसमें कुछ नहीं होता तुम डाउनलोड नहीं करोगे, इसलिए मैंने इसमें रिसोर्सेज रख दिए हैं। तो चलते हैं यहाँ से दूसरे कमरे की तरफ, और ऐसे देख सकते हैं एक दूसरा का, यहाँ पे भी कुछ आर्मर्स लगाए हैं, और ऐसे आप नज़ारा ले सकते हैं अब पानी वानी का। तो जो वहाँ पे आप वो देख रहे हैं जो टॉयलेट जैसे दिख रहा है आपको, वो टॉयलेट नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो शुगर केन फार्म है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं, आपको मैं नीचे दिखाऊंगा कि क्या है नीचे। तो चलिए नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप दिखेंगे कुछ इनके विदर्स के हेड देख सकते हैं। ये वैसे डेकोरेशन के लिए, तो मैंने इस वर्ल्ड को क्रिएटिव में बनाया, उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया है सर्वाइवल में। अगर आपको जानना है कि हम क्रिएटिव वाले मकान को सर्वाइवल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1000 पे रिवील हो रहा है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए हम सब 1000 के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको टॉयलेट दिखेगा, तो यहाँ से दिखते हैं बंद हो जाता है। तो चलो आप नेक्स्ट बिल्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसा दरवाज़ा, यहाँ पे चेस्ट दिखेंगे जो कि खाली हैं, मैं ज़्यादा रिसोर्स नहीं रखने वाला, क्योंकि आप फिर बोलते हो कि आपने चीट किया, तो मैंने रिसोर्स नहीं रखे। तो लेकिन फार्म्स मैंने रखे हैं, बहुत ही अच्छे एक्यूरेट काम करते हैं वो फार्म। तो चलो यहाँ पे मास्टर बेडरूम आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जाते हैं। अब जैसे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नज़ारा दिखेगा, एक विंडो है यहाँ पे, और उसके साथ कुछ बुक शेल्फ्स, और यहाँ पे एक बाथरूम है, और यहाँ पे एक बेड है और कुछ चेस्टेज हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। सो ओके, यहाँ पे आपको एक शुगर केन फार्म दिख रहा होगा, यहाँ चेस्टेज में बहुत सारे शुगर केन है जो कि बढ़ते रहते हैं, उगते रहते हैं। तो ये शुगर केन फार्म है। तो ये इस वीडियो को मैं छोटा सा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े वीडियो पर काम कर रहा हूँ, तो आज कुछ छोटे वीडियोज आएंगे इसलिए मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर तुम नेक्स्ट बिल्ड पे चलोगे जो कि है कोल फार्म, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोल आ जाता है कभी कभी, वैसे बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, बहुत ही एक्यूरेट काम करता है, देख लेना बहुत ही हैरान हो जाओगे। तो इन स्टैक्स को याद रख लेना, 7 और 8 हैं कोल के ब्लॉक। तो जैसे मैं ऑन करूँगा, अब देखो भाई कोल की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कितना तेज़ से काम कर रहा है, और मैं टाइमर भी लगा दूंगा कि कितने मिनट में क्या कहते हैं कोल का एक्स्ट्रैक्ट भर जाएगा। तो पहले मैं जो लगता है कि और भर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ दोनों को, तो उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रैक्ट कितने देर में भरता है। आधे गिर भी जाएंगे तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में एक्स्ट्रैक्ट भर जाता है, देख सकते हैं 10, और कितना रैपिडली चल रहा है। और आपको पता होगा कि इससे आपको एक्स भी मिल सकता है, और अगर आप माइनिंग पे जाओगे तो आपको बहुत सारी टॉर्चेस की कमी नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको फ्यूल चाहिए तो ये फ्यूल भी हो सकता है, आपको फ्यूल के जो है ज़रूरत भी कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं स्टैक कुछ मिनट के अंदर ही भर गया, क्या कर रहा हूँ मैं, सेकेंड के अंदर ही भर गया, कितना एक्यूरेट और तेज़ काम करता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और बहुत सारे गिर भी चुके हैं जो कि मेरे इसमें आ चुके हैं। तो चलिए अगर मैं ऊपर चलूँगा तो अब आप हैरान मत हो जाना, ठीक है। ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, देख लो कितने स्टैक्स भर चुके हैं मेरी इन्वेंट्री में, और सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर हो चुका होगा, आपको टाइमर दिख चुका होगा कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इतने सारे स्टैक्स जमा हो चुके हैं। तो इतना ही था आज के वर्ल्ड के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।